हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ आशु टॉक्स। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से जॉब रोल की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाले दोस्तों। यहाँ पे आपको डाटा साइंटिस्ट की दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या डिटेल्स होने वाले हम आगे की इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड स्किल देखने मिल जाती है, यहाँ पे आप अगर आपको डाटा साइंस के बारे में आता है, मशीन लर्निंग के बारे में आता है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने मिल जाता है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या तो इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस या तो रिलेटेड फील्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस से जो भी रिलेटेड फील्ड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप उससे बैचलर डिग्री किए हो। साथ साथ आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि डाटा साइंस। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको लोकेशन देखने मिल जाती है, पैन इंडिया लोकेशन आपको देखने मिल जाती है तो आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पे आपको डाटा साइंटिस्ट का जॉब रोल देखने मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जॉब की डिटेल देखने मिल जाती है, रिक्वायर्ड स्किल देखने मिल जाती है जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है, आप सभी के लिए जॉब फंक्शन देखने मिल जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉब फंक्शन होने वाला है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने मिल जाती है कि आपको एज अ दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, कौन से काम करने होंगे आपको। तो आप देख सकते हो प्रूवन एक्सपीरियंस एज अ डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट, तो आपका डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए। साथ साथ डाटा माइनिंग में भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मशीन लर्निंग और ऑपरेशन रिसर्च के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आर एसक्यूएल और पाइथन जो है उसे आप उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, आप फैमिलियर होना चाहिए जावा स्केला सी प्लस प्लस से, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जो है उसमें आपको दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ साथ माइंड एंड बिजनेस एनालिटिक्स में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी मैथ स्किल जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए जैसे स्टैटिस्टिक और अल्जेब्रा में आप स्ट्रांग होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है तो उसमें भी आप एक्सलेंट होने चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने मिल जाती है, क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड स्किल भी मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।